हेलो फ्रेंड्स, हाय। और आज सैटरडे है और आज का ब्लॉग मैं भी शुरू कर रही हूँ। आज मैं नाइट सूट पहन के बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और ये जस्ट मैंने भी नया नाइट सूट मंगाया, जल्दी बताऊँगी कहाँ से मंगाया है, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और मैंने जो लिप शेड लगाया है, मैंने मिस रोज का लगाया है, बहुत ही लाइट शेड लगाया है जो बहुत प्यारा लगता है मुझे। एक्चुअली मेरे लाइट शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं जा रही थी एक वीडियो शूट करने, मैंने कहा वो वीडियो शूट कर लेते हैं। गुन्नू मेरे जग गए थे, एक कॉल आया, मैं जैसे ही बात कर रही थी तो आवाज़ आई तो ये जग गया तुरंत। तब कि मैं फ़ोन कॉल के मतलब फ़ोन अपने बहुत स्लो रखती हूँ। और आज मेरी तबीयत का ये हो गया है कि कल रात में लोगों ने तो खाया था पिज्ज़ा विज़्ज़ा, उसमें से दो पीस बचा के रख दिए थे। तो अब ये मैंने सोचा कि लाओ मैं गर्म करके खा लेती हूँ, तो बस वही थोड़ा सा नुकसान कर गया। वीडियो शूट करते हैं फिर आते हैं ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। और जी हाँ, कल का ब्लॉग अधूरा से अधूरा रह गया था और आज हमारी गुड मॉर्निंग ले लो सारे के सारे लोग। और गन्नू भैया कहाँ जा रहे हो बेटा? तो गन्नू आज सुबह सुबह जा रहे हैं डॉक्टर के पास में। एक्चुअली कल ही हम जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन कल शाम में वो बैठे नहीं थे और आज संडे है तो आज बैठे हैं वो 11 से 1 बजे के बीच में। तो हम लोग सारे काम जल्दी जल्दी ये कोई कंपनी है, वन ऑफ अ काइंड। हाँ, तो आज बस हम लोग बैठे हैं कि जल्दी जल्दी अपने काम से ख़त्म करेंगे, गन्नू को दिखाना है। एक्चुअली मैं ये दिक्कत हो गई ना, गन्नू के ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो इसलिए हमने कहा एक बार हम दिखा देते हैं। तो बस हम गन्नू को लेके चल रहे हैं अपने डॉक्टर के पास और हम उन्हीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं जहाँ पे हमेशा गन्नू को लेके जाते हैं। और अगर आपको मेरा गॉक्स अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़ अवॉइड कर देना, बिकॉज यही सामने रखा था, बाकी सब अंदर रखे हुए थे और इतनी जल्दी में तैयार हुए हम हैं कि पूछो नहीं। तो गन्नू ने भी इसको माफ़ कर दिया है, लेकिन बट मुझे अच्छा लगता है। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए, जिसको अच्छा लग रहा है उसके लिए बता दो क्लब फैक्ट्री से लिया है भाई 250 रुपये का। बेहतरीन, ठीक है, चलो चले गन्ने। और ये इधर गन्ने के डैडी जो हमेशा अपना गॉक्स लगाना भूल जाते हैं, उसके बाद कहते हैं उत्तरी। क्यों? एक्चुअली बताएं, हम लोगों ने वो स्टाइल लिया है जो कार में लगाते हैं ना, बिकॉज ऐसे करके कभी कभार होता है ना यूज़ करें कैमरा। तो ये कह रहे हैं मैं ना उधर लगाऊंगा। मैंने कहा उधर क्यों लगाओगे? तो कहते मैं यहाँ लगाऊं, बीच में। कहते बीच में लगाएंगे। मैंने बीच में कौन लगाता है कैमरा, मतलब क्या दोनों कवर होगा, इधर भी अच्छा, इधर कर लो बीच में कवर होगा। अच्छा सोचो ना जी, नहीं बीच में लगाने से कितना डिस्टर्बेंस होती है ये नहीं पता आपको? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ बीच में नहीं, यहाँ पे लगाऊंगी मैं ऐसे करके, तो ताकि दोनों लोग आएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है मैं उधर लगाऊंगा, लोकेशन ढूंढूंगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, शहर में तुम्हें कौन सा गूगल मैप की जरूरत हो रखी है? एक्चुअली ये पहाड़ों पे जो इन्होंने गूगल मैप यूज़ किया ना, तो बंदे का बस चलता था आज ही गूगल मैप ऑन कर देते अपने, वो बताता प्लीज़ टेक अ राइट टर्न। और गन्नू को ऐसे सामने बैठ के गन्नू देख रहा है तो और बहुत लोगों का कंसर्न था इसकी गर्दन के लिए। तो जी हमने अपनी गर्दन के लिए अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बोला है कि अभी आप अपने नॉर्मल डॉक्टर को दिखा लीजिए। वैसे वो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गाड़ी का कलर कितना प्यारा था, रेड टमाटर वाला। गन्नू डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, चलते हैं पहले फिर बताते हैं गन्नू का क्या सीन है, पेटू का गन्नू के। फेस वॉश कर लोगे तो गोरे हो जाओगे, तभी तो लग रहे होगे थोड़े सा। जी दादा, तब से गोरा मेरा गन्नू। गन्नू कहाँ देख रहे हो घर? इधर देखो गन्नू, गन्नू 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 गन्नू। यस, हम लोग डॉक्टर के पास से होके आ गए हैं और उसके बाद आपको पता है मतलब लाइट नहीं आ रही थी आज, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ लाइट नहीं आ रही थी। वैसे जल्दी होता नहीं है ऐसा कि लाइट चली जाए, हाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम थी तो लाइट मतलब हम आए थे वापस 1:30 बजे, 1:30 बजे की लाइट गई गई आई है 3:15 बजे। अभी टाइम हो रहा है 3:30। कमरा ठंडा किया, सही किया, उसके बाद में एक बार तो अब यही इसका पेट ख़राब है तो शीट पे ऐसे लेटे खेल रहे थे, तो एक बार तो इन्होंने पॉटी कर दी तो पूरा सब ने धुला, चादर चेंज करी, सब कुछ करा। उसके आधे घंटे बाद में दूध निकल गया उसका बेचारे का, इतना परेशान से पिया उसने, वोमिटिंग कर दी, वहाँ से परेशानी हो गई बेचारा।
अभी। लेकिन एक बात है, अगर बच्चे को कुछ हरारत होती है तो वॉमिट हो जाती है तो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा कफ है ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि उल्टी में ही कफ निकलेगा, तो वॉमिट हुई है तो काफ़ी रिलैक्स है। तब से खूब खेल रहा है, खूब खेल रहा है। अब आप लोग पूछोगे कि डॉक्टर ने हमारे क्या कहा, तो डॉक्टर ने हमारे क्या कहा, तुम बताओगे मैं बताऊँ? क्यों, हम तो फ़िलहाल क्या, हम तो फिलहाल वहाँ तो मतलब रो रहे थे, अभी तो ठीक है। एक्चुअली जैसे ही डॉक्टर के पास हम उनको लेके गए तो इंजेक्शन लगना था, एक किड को इंजेक्शन लगा और बाकी हमें दिखाना भी था कि तबीयत जो ठीक नहीं है, उसके लिए हमने दिखाया है। और फिर वही बात हुई, वेट वगैरह चेक किया तो वेट इसका अभी कांस्टेंट है, काफ़ी थोड़ा सा कम ही हुआ है, मतलब ये है कि जितना लास्ट टाइम दिखाया था थोड़ा बहुत कम हो गया है अभी। और डॉक्टर का ये चीज़ का कहना है कि जो बच्चे ऑक्सीजन पे रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो वही चीज़ की दिक्कत अभी गन्नू के में फेस कर रहा है, गन्नू गन्नू की वजह से में आ रही है। 2-3 दिन ऑक्सीजन में अगर बच्चे रहते हैं तो नहीं होता है, लेकिन अगर बाई बर्थ या तो अगर आपका बच्चा 1-2 महीने बाद ऑक्सीजन पे थोड़े दिन के लिए रहा है तो अलग चीज़ होती है। बाई बर्थ अगर कोई बच्चा ऑक्सीजन पे चला जाता है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नाक से जाती है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है, आइस पे, ईयर पे, दिमाग पे, इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और रही बात इसकी बैठने की दिक्कत, जो बैठ ये बैठ अभी बैठता है मत, बट अभी इसको सपोर्ट थोड़ा सा देना पड़ता है। तो डॉक्टर ने यही कहा है कि 2 टेस्ट लिखे हुए हैं जो हमें टेस्ट कराने हैं, बाकी कह तो रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो रोने लगी थी, लेकिन फिर हम लोग धीरे धीरे अपनी हिम्मत ऐसा करके इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा। बस ये मुझे डरा देता है, और जब से डॉक्टर के पास से आया है तब से इतना एक्टिव, इतना खेल रहा है, इतना खेल रहा है कि पूछो नहीं, तो बस डरा देता है ये मुझे। क्या कोई नहीं यार, ये ज़िंदगी क्यों है, लगे रहते हैं जांच वाँच होता रहता। बच्चा मेरा ठीक है इतना पता है मुझको, लेकिन डॉक्टर ने कहा है तो जाँच करवा लेंगे यार। तो और वो भी ज़रूरी, मतलब हम मैंने पूछा उनसे तुरंत, मैंने कहा कि सर के सारे बच्चों को कराना पड़ता है तो हाँ, उन्होंने कहा है कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो इसलिए अभी से टेस्ट करा के लेते हैं, कोई दिक्कत होती तो क्या। तो उन्होंने यही कहा कि ऑक्सीजन पे जो बच्चे रहते हैं उनका धीरे धीरे ये 2-3 टेस्ट हैं जो होना पड़ता है। गर्दन के ऊपर की सारी जाँच होते हैं, आँख नाक कान गला, वही आँख तो हम लोगों ने पहले ही करा लिया था, तो इनका MRI कराना है। अब मैं वही रोने लगी, मैं बोल रही थी मेरे पास कि सर अगर 1 हफ्ते बाद कराए, क्योंकि अभी 9 मंथ इसका पूरा नहीं हुआ है, वही सारी तकलीफ वही, क्योंकि मैंने आई टेस्ट जब मैंने बताया उनको, मैंने कहा आई टेस्ट कराया था तो सर बहुत दर्द हुआ था, उसको बहुत रोया था वो, तो कहने लगी ठीक है 1 हफ्ता आप वेट कर लो, 1 हफ्ता रुक जाओ फिर करा लो। और वो दोनों पेनफुल नहीं है, लेकिन उसके लिए बच्चे को स्लीपिंग वो देते हैं, बच्चा सोता है तब वो टेस्ट करते हैं, दोनों टेस्ट में इसको सुलाएंगे फिर टेस्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग ठीक है। हाँ अभी तो हम लोग ठीक है, अभी तो हम लोग का जितना परेशान जितनी मतलब टेंशन वो होना था ना वो हो जाता है, और फिर इकट्ठा ऐसे करके नहीं, अभी हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तब से ये कह रहे अब मैं इसे माँ की तरह पालता था, तो मैं अब इसे बाप की तरह पालूँगा क्योंकि हम लोग एक्चुअली शायद हम लोग ये कहते हैं हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नाजों से पाल दिया अपनी लड़की को। अरे लड़की नहीं, एक्चुअली इसकी बोन्स वही चीज़ है ना कि 15 दिन ऑक्सीजन और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेट होता चला गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं देखती रही हूँ, मतलब फेस कर रही हूँ, देख रही सोच रही हूँ कि भगवान ना करे किसी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो पता है वो बच्चे तो ठीक है अभी नहीं बैठ रहा है, 10 दिन बाद में बैठ लेगा, लेकिन आसपास की जो सोसाइटी होती है ना वो आपको बोल बोल के परेशान कर देती है, हाँ ऐसा हो गया मेरे बच्चे ने तो ऐसा कर, इसलिए आप वो बच्चे पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हो या फिर आप वो टेंशन में आ जाते हो। तो होता है यार, कुछ हज़ारों लाखों बच्चों में कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, स्पेशल है हमारा गन्नू, फिर कभी कभी लगता है यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसको सारी परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। और सबका कहना था गर्दन टेढ़ी कर दी, टेढ़ी नहीं कर दी है वो, एक्चुअली वो ऐसे करके हल्का सा कर देता है क्योंकि उसकी गर्दन अभी मजबूत नहीं है। तो डॉक्टर ने भी आज चेक किया, कहते टेढ़ी नहीं है, स्ट्रांग नहीं हुआ, इसे बैठ भी नहीं पाता, बस अभी थोड़ा सा उसको बोन्स को स्ट्रांग होना बाकी है, तो गन्नू की बोन्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी है। तो बस कुछ दवाई दी है डॉक्टर, चलानी है बाकी कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, मतलब बहुत, लेकिन कभी कभार टूट जाते हैं, लेकिन फिर से वही करते हैं। जब हम ही दोनों को देखना है तो फिर ये लगता है यार जब हम ही दोनों को सब कुछ करना है तो फिर हम ही दोनों करेंगे, फिर से करते हैं।
बाकी पूछा इन्होंने डॉक्टर ने कैसा है, सुनता है, क्या करता है, बाकी पूरा एक्टिव है, सब कुछ करता है, मस्ती मारता है सब, बस थोड़ा सा लेट है। अब गन्नू सोएंगे मेरे, ये देखो आंखें मल्ला है ना, इसका मतलब गन्नू सोएगा। आंखें मल्ला है ना भैया मेरा, आंखें मल्ला है। बाकी इतना मस्त है, इतना खेलता है, इसको देख के मैं मतलब उतनी देर से रोना आ रहा था। बस अभी अभी ठीक हुआ था मूड मेरा, तभी मैंने कहा कि वाला वीडियो एंड कर देते हैं। तो ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ, दोपहर का 3:30 बज गया। अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, कुछ काम करेंगे और गन्नू मेरा मस्ती करेगा। और कुछ नहीं होगा मेरे गन्नू को, प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि वो हमें टेस्ट ही ना कराने पड़े, बिकॉज मैं नहीं चाहती वो टेस्ट कराना, सच बताऊँ तो। तकलीफ होती है बच्चे को मेरे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।